everyone, it's Mamta here. Welcome and welcome back to our YouTube channel Mad for Mamta, and I hope you all are doing well, great and good. So what if I guys told you that I have found the ultimate solution of acne prone skin, blackhead, whiteheads, clogged pores, breakouts like skin problems. So I'm always looking out the perfect product that not only tackles my acne and breakout but also relieve my pores and brighten my skin. And guess what guys, I have found my favorite brand Plum Goodness. Their 1% encapsulated salicylic acid foaming face wash with glycolic acid, fruit AHAs and blueberry extract. It's a gentle yet effective creamy foaming face wash to help gentle unclog the pores, clarify the skin. और जो बहुत जिद्दी से पिंपल्स होते हैं ना, जो जल्दी से जाते नहीं हैं, उनके थ्रू जो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स जो हो जाते हैं, उनको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो इस फेस वॉश का जो मेन की इंग्रेडिएंट है ना, वो है 1% इनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड. एंड वी ऑल नो गाइस कि सैलिसिलिक एसिड इट्स अ वेरी ट्रेंडी एंड अ वेरी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स. बट दिस फेस वॉश इज मेड विद एन इनकैप्सुलेटेड फॉर्म विच आर इंश्योर सस्टेंड रिलीज ऑफ द BHA. BHA स्टैंड्स फॉर बेटा हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज अ सैलिसिलिक एसिड, जैसा कि अभी मैंने बताया. और इनके अलावा इनकी जो फैमिली होती है ना, वो AHA एंड PHAs की होती है. दैट आर द केमिकल एक्सफोलिएंट एंड आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स दैट्स आर यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो ये जस्ट मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता रही थी. सो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड डीपर पेनिट्रेट इनटू द स्किन, फ्लश आउट ऑल द एक्सेसिव ऑयल, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज. और ये आपको एक्ने, पिंपल, ब्लैकहेड एंड व्हाइटहेड जैसे प्रॉब्लम से प्रिवेंट करके रखता है. सो इट्स अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट. एंड दे हैव अ 5 फ्रूट AHAs व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर केन, ऑरेंज, लेमन, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड द शुगर मैपल, जो एक्ने पिंपल को कंट्रोल में रखता है, लाइक बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता है. और इसके अलावा इसके अंदर 0.2% ग्लाइकोलिक एसिड, इट्स अ AHA व्हिच आर जेंटली एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स and improve the skin texture and revealing the smoother and clearer skin. इस फेस वॉश का जो टेक्सचर है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड रिच है और ये बहुत अच्छे से क्रीमी फॉर्मिंग लेदर करता है. एंड इट्स मेड विद एन जेंटल एंड नॉन ड्राइंग फॉर्मूला. सो दिस फेस वॉश इज सूट फॉर ऑल स्किन टाइप पीपल, स्पेशली फॉर द ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, बट इट नॉट गुड फॉर द हाइपर सेंसिटिव स्किन. सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. और ये चीज इसमें क्लियरली मेंशन भी है. सो लेट मी नाउ शो यू गाइस हाउ आई यूज दिस फेस वॉश in my everyday skincare routine. So just take out 2-3 pump of the foaming face wash and gently massage of the creamy foam into your skin, then rinse with the water. अच्छे से पैड ड्राई करने के बाद आप टोनर और मॉइस्चराइजर लगा सकते हो. एंड ऑलवेज रिमेम्बर गाइज टू यूज सनस्क्रीन एज द लास्ट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन. और फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज दिस फेस वॉश मिनिमम ट्वाइस अ डे. It giving me a smoother and clearer skin. So this face wash is a real deal. So मैं इस फेस वॉश के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उस लिंक को क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो. एंड हाँ गाइज, यूज माई कूपन कोड विच यू सी द स्क्रीन राइट नाउ फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज ऑन द प्लम वेबसाइट. सो डोंट वेट फॉर इट, शॉप नाउ. So yeah, that's it for this today's video guys, and I hope this video is really helpful for you all. So guys, मुझे इंस्टा वगैरह भी फॉलो कर लो, वहां पे भी मैं ऐसा कॉन्टेंट डालती रहती हूँ. सो जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना यहाँ स्क्रीन पर राइट नाउ शो हो रहा होगा. एंड गाइज, डू चेक आउट माई ऑल अदर कॉन्टेंट. एंड इफ यू गाइज लाइकिंग माई कॉन्टेंट, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट. सो टिल देन आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Bye.